आलोचना बहुत हो रही है डे वन तो ही, तो वो मैं कहता नहीं कि वह सही हैगी आ, पर तुसी एक महीने के समय में किवें देखते हो, कितनी क प्राप्ति हुई है जिस तरह ऐलान ते ऐलान किए जा रहे हैं। जे देख के चलोगे पिछले चाहे कांग्रेस की गल करोगे, पांच साल उन्होंने मतलब जिन्ना आम आदमी पार्टी ने एक महीने करता उन्होंने पांच साल भी नहीं किया है, क्योंकि 300 यूनिट हर महीने माफ़ी का वादा किया, पर एक पेज है जिहड़ा पाता है कि जनरल वर्ग में जो 301 यूनिट होगी, जो 2 महीने की लाइए तो 600 यूनिट बनती है, तो 601 भी होगी तो पिछले 600 भी नाल जुड़ जाएंगे। 300 यूनिट हर महीने माफ होना जी जी। जे आप जनरल वर्ग की गल करते हैं तो 85% जिहड़े लोग ने ठीक है, मान लो उस जनरल वर्ग के इस क्राइटेरिए अंडर आ जाते हैं, तो ये ऐड तो ऐड दे रहे वह खर्चा पैंदा है, जुलाई से जो शुरू होगा तो दोबारे फिर ऐड देंगे कि कहना तुहाडा कि एडवरटाइजमेंट किया जा रहा है तो खर्चा किया जा रहा है, कि लगता नहीं कि गैर वाजिब हैगा पहला मतलब कोई यह तो नहीं असी किया है भी सरकार बन गई जी उस तो 2 साल बाद या 3 साल बाद असी कोई किया है, असी तो सिर्फ तो सिर्फ 2 महीनों बाद ही लोगों का जो बिजली का बिल है जीरो लग जाएगा। हफ्ते के एक दो ऐलान मुख्यमंत्री साहब करते हैं, तो ऐलान मंत्री का जरा एक तंज भी एक व्यंग कसन लागे विरोधी, किमें देखते हो कि ऐलान बहुत हो रहे हैं, जिस तरह ट्रक यूनियन का विवाद वाधा जा रहा है, देखो सारे हल्क जी धक्के अपने बंदे जोड़े बिठाए जा रहे हैं उत्थे, वो किमें लगता थोनू कि वह फिर पिछला जोड़ा कोई बदलाव वाली गल तो कोई नज़र नहीं आ रही। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो डी न्यूज़ पंजाब, ते मैं सुखजिंदर रमाणा। जिवें कि अपनी नवीं सरकार है भगवंत मान साहब की सरकार आम आदमी पार्टी की, एक महीना बीत चुकया, तो एक महीने बाद हालात की ने आपां उस ते चर्चा करांगे। बेशक बहुत सारे जिहड़े मीडिया अदारे ने उन्होंने शुरू तो ही जिहड़ा इल्जामबाजी ते ही जोर दिता हैगा, डे वन तो उन्होंने जिहड़ी है आलोचना नहीं छड्डी हले तक, पर असी आलोचना की गल नहीं करते, असी एक महीने का जिहड़ा बहुत घट समा हुंदा है, तो एक महीने के हौली हौली सरकार है जी सैटल होंगी है, अफसर के नाल जिहड़ा हैगा जिवें सैटिंग होंगी है, तालमेल होंगे प्रशासनिक अधिकारियों के नाल, मंत्रियों का मुख्यमंत्री का ते होर जिहड़े जिहड़े MLA उन्हां दा, तो उस तो बाद हौली हौली जिहड़ा हैगा गड्डी जिहड़ी लीह ते चढ़दी है, सो हले हजे गड्डी जिहड़ी आ लीह ते चढ़ रही है, पूरी तरह चढ़ी नहीं, तो आपां एक महीने के इस दौर की बारे में आप गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने लोक सभा हलका बठिंडा के इंचार्ज श्री राकेश पुरी बठिंडा तो, आप गलबात करते हैं। पुरी साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडे। पुरी साहब, जिस तरह मैं कहा हैगा कि आलोचना बहुत हो रही है डे वन तो ही, तो वो मैं कहता नहीं कि वह सही हैगी आ, पर तुसी एक महीने के समय में किवें देखते हो, कितनी क प्राप्ति हुई है जिस तरह ऐलान ते ऐलान किए जा रहे हैं। रमाणा साहब, गल इस तरह है भी देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी लगभग 1 महीने के करीब होया है जी, और 1 महीने के जो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, जो भगवंत मान साहब की सरकार ने करके दिखाया, मान साहब की सरकार ने, तुसी उहदे च देखो भी इन्ने काम उन्होंने 3-4 तरह के, जिस तरह मान लो आप 35,000 मान लो कच्चे मुलाजम से उन्होंने पक्के करन दा, 20,000 नौकरी का हो गया, पहली गरंटी भी आम आदमी पार्टी ने जिहड़ी बिजली का 300 यूनिट हर महीने माफ़ करन दा कीता हैगा, तां तुसीं पिछला जे देख के चलोगे पिछले चाहे कांग्रेस की गल करोगे, 5 सालों के उन्होंने मतलब जिन्ना आम आदमी पार्टी ने 1 महीने करता उन्होंने 5 सालों भी नहीं किया है। ये मैं नहीं कहता, तुसी लोगों तो जाके पुछो, तुसी भी मीडिया वाले हो, थोनू भी सारिया चीज़ों का पता लगता है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल काम कर रही है और बहुत वधिया ट्रैक के उत्ते है पार्टी, और बड़ी तेजी नाल मतलब डिसीजन है जिहड़े वह ले जा रहे हैं जी। पुरी साहब, तुसी गरंटी की गल करी है, पहली जिहड़ी गरंटी सी बिजली की सी, तो बिजली के मुद्दे पर आप आने 2-3 दिन तो काफ़ी भख्या होया मुद्दा है, क्योंकि 300 यूनिट हर महीने माफ़ी का वादा किया, पर एक पेज है जिहड़ा पाता है कि जनरल वर्ग में जो 301 यूनिट होगी, जो 2 महीने की लाइए तो 600 यूनिट बनती है, तो 601 भी होगी तो पिछले 600 भी नाल जुड़ जाएंगे बिल च, किवें की कहना तुहाडा? देखो जी, गल ये है, विरोधियों ने सवाल चकने होंगे ने, कोई ना कोई उन्होंने विचों चीज़ कढ़नी होंगी, भी कोई मतलब सवाल है जिहड़ा तंज कसया जाए इन्हां दे उत्ते। देखो 300 यूनिट हर महीने माफ़ होना जी जी। जे आप जनरल वर्ग की गल करते हैं तो 85% जिहड़े लोग ने ठीक है, मान लो उस जनरल वर्ग के इस क्राइटेरिए अंडर आ जाते हैं, मतलब 85% लोगों का बिल है जिहड़ा वह जीरो आऊगा जी। ठीक है, गर्मियों च हो सकता भी थोड़ा बहुत किसी बिल किसी महीने आ जाए,
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਪਰ 600 ਵਰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ 80-85% ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਹਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਡ 'ਤੇ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਐਡ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੁਲਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਣਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮਾਨਸਾ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-10% ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਔਰ ਹਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਖ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ
इन्हां कोले साडे खिलाफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलण नूं कुछ नहीं, सिर्फ तो सिर्फ वो इदां दी बयानबाजी करके जिहदे नाल मतलब चर्चा दे विच रह सकण, सिर्फ बयानबाजी है। तां तुसीं ऐं देखो वी सुखबीर बादल की उत्थे सीगे, जिहड़े बंदे उस जगह दे उत्ते मौजूद सी, एस जी पी सी मैंबर दा वी मतलब बयान आया, तुसीं देखिया होणा मीडिया दे उत्ते, उन्होंने भी यह गल कही वी मैं बिल्कुल करीब सीगा, ठीक है, वी मतलब कोई इदां दी मैनूं नहीं लगता, उन्हें यह भी गल कही उस बयान दे विच वी मैं रब नूं जाण देनी आ, ठीक है, इस गल नाल कोई मैटर नहीं भी सुखबीर बादल की कहिंदा है जां वलटोहा की कहिंदा हैगा, पर उसकी कोई इदां की कोई शराब नहीं पीती, सिर्फ तो सिर्फ एक बयानबाजी है आम आदमी पार्टी नूं बदनाम करन दी, मान साहब नूं बदनाम करन दी इन्हां दी लगातार कोशिश की जा रही है। और इन्हां दे खिलाफ असीं की बोलना है जी, किन्ने आ इह तिन्न जित्ते है जी, ठीक है, हुण इक ही है भी, ये तो किसी कोई स्थान ही नहीं है इन्हां दे पंजाब सरकार दे अंदर, ठीक है, इन्हां दे बोलण नूं बोली जाण दो। आम आदमी पार्टी ने मतलब कोई जे इन्हां दे जवाबदेहियां दे विच पै गई आम आदमी पार्टी, देखो असी सिर्फ तो सिर्फ पंजाब दे लोकां लई पंजाब दे मुद्दयां दी गल करनी और पंजाब दे विकास करना है, पंजाब दे लोकां दा विकास करना हैगा, रोज़गार है जिहड़ा ओह पंजाब दे विच पैदा करना हैगा, इंडस्ट्री पंजाब च लैके आउणी है, पंजाब नूं नशा मुक्त करना हैगा, पंजाब नूं गुंडागर्दी दे रहित करना है। सो ये साडे मतलब मेन टीचे ने, साडा टीचा ये नहीं है भी एक बंदा जे साडे खिलाफ़ कुछ गलत बोल रहा है तो असी उसनों एक जवाबदेही दे विच ही समान लगा दिए, सिर्फ तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने कम करना है। और आम आदमी पार्टी ने कम दिल्ली दे विच साडी सरकार बनी सी उत्थे भी कम किया है, और आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब दे विच बनी है और पंजाब दे विच दिल्ली नालों दुगनी तेजी दे नाल कम होएगा। तो सिर्फ असी कम्मां दी राजनीति करदे हां और कम्मां दी ही राजनीति करांगे। तुसीं गुंडागर्दी का जिक्र किया हैगा ते गुंडागर्दी नूं हले तक नत्थ नहीं पई, क्योंकि दिन ब दिन देखते हैं कितने कतल की घटना वापर जाती है, कितने लुट खोह की, इदा तुम देखो पिछे जी नंगलंबी आ जिहड़ा प्रसिद्ध खिडारी सी कबड्डी का, उन्होंने शरेआम गोली मारती, हर रोज़ कितना कितने यह जी घटनावां वापरदियां रहिंदियां। तुसीं रमाणा साहब थोड़े दिन खड़ो, थोड़े रिजल्ट आ जिहड़े थोड़े सामने आने शुरू हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी जिवें एंटी गुंडा एक फोर्स की भी मतलब दा ऐलान है जिहड़ा, ठीक है, मुख्यमंत्री साहब ने किया है, तुसीं आने वाले दिनों दे विच देखियो पंजाब दे अंदर जिहड़ा गुंडा तंत्र है बिल्कुल असीं खत्म कर देंगे आम आदमी पार्टी, ठीक है, मतलब इन्हां दीआं जड़ां एडियां, देखो ये गुंडा सिस्टम जिहड़ा सारा पैदा किया होया कि किया हो, अकालियां का चाहे कांग्रसियां का किया होया है, देखो इन्हां दीआं जड़ां पट्टण ते, ठीक है, थोड़ा समा जरूर लगेगा, समा दिओ, असीं यही गल कहने भी तुसीं आने वाले अगले जिहड़े 6 महीनों की जी साड़ी रिपोर्ट होगी, सरकार की रिपोर्ट होगी, उस चीज़ को देखियो, उस तो बाद फिर आप सामने बैठांगे तो यह सारिया चीज़ों के जो रिजल्ट थोड़े सामने आ जाएंगे। एक गल होर है पुरी साहब, जिस तरह ट्रक यूनियन का विवाद वाधा जा रहा है, देखो सारे हल्कों जी धक्के अपने बंदे जोड़े बिठाए जा रहे हैं उत्थे, वो किवें लगता थोनू कि वो फिर पिछला जिहड़ा कोई बदलाव वाली गल तां कोई नज़र नहीं आ रही? नहीं, ये पता गल की है जी, असल च की है भी जिहड़ा मान लो आप ट्रक यूनियन की गल करते हैं, होर कई कई इदां दीआं गल्लां करते हैं, देखो उत्थे की है, उत्थे इन्हां दा ही कब्जा होया वै जी, चाहे वह अकाली दल वाले ने चाहे कांग्रेस वाले ने, असल च गल की है भी हुण इन्हां नूं इह साडा साडी आम आदमी पार्टी की सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही, आम आदमी पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं हो रहे, मतलब जानबुझ के मतलब उस चीज़ नूं एक मतलब इन्हां विरोधियों वालों ही मतलब इस तरीके दे नाल उन्हों पैदा किया जाता है भी आम आदमी पार्टी गुंडागर्दी करती, इदां दा कुछ नहीं हैगा। तुसीं ऐ देखो पूरे पंजाब दे विच जिथे जिथे ट्रक यूनियन सी आम आदमी पार्टी ने कमेटियां बनाईयां जां मैंबर बनाए, ठीक है, इक्को दुक्का जगह दे उत्ते इदां दा घटना जिहड़ी होई है वह भी इन्हां वल्लों ही, वो कांग्रेस वालों या अकालियों वालों ही पैदा की गई है, उस दे विच आम आदमी पार्टी वालों कोई गुंडागर्दी नहीं की हैगी, ना आम आदमी पार्टी की इदां दी विचारधारा हैगी है। आम आदमी पार्टी दे विच कोई भी चाहे मतलब चाहे कोई MLA होवे, चाहे कोई अहुदेदार होवे, चाहे कोई मंत्री होवे, ठीक है, इदां दी राजनीति नहीं करता है आम आदमी पार्टी, सिर्फ तो सिर्फ कम्मां दी ही राजनीति करदे आ, पर जदों इन्हां दे हत्थां दे विच्चों इन्हां नूं आपदी प्रधानगी जांदी नज़र आउंदी है तां रौला पाउण तों इलावा फिर इन्हां कोल कुछ बचदा ही नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ रौला पाउण दा कम्म कर रहे है, इह कोई इदां दा कुछ नहीं है। पुरी साहब, बठिंडे दे विच्चों तुसीं देखो मुख मंत्री भी रहे है बादल परिवार, ते उस तों बाद मंत्री है जिवें बणदे ही रहिंदे है, ऐतकी लगता जिवें पूरा सोका ही पै गया जी बठिंडे च, कोई मंत्री नहीं लिया? नहीं नहीं, इदां दी कोई गल नहीं रमणा साहब, देखो मंत्री मंत्रीमंडल दे विच 17 मंत्री लए जाने ने जिस च एक मान साहब हैगे ने, और तुसीं ये देखो भी हले तक सिर्फ 10 मंत्री ही लए गए है और 6 हले बाकी ने, समा दिओ, तुसीं देखो नैक्सट जिहड़ी साडी लिस्ट हैगी बिल्कुल बठिंडा डिस्ट्रिक्ट दे विचों कोई ना कोई एक मंत्री है जिहड़ा सरकार दे विच होएगा जी। पुरी साहब, हुण आपां बठिंडे दी दुबारा गल करदे हां कि बठिंडे दे वास्ते जिस तरह पहलां कहा सी कि वित्त मंत्री दे इल्जाम लगे भी थर्मल उन्होंने बंद कर दिता जां होर प्रोजैक्ट जिहड़े कोई इत्थे लिआंदा नहीं वड्डा प्रोजैक्ट, जे बंद कीता सी तां उहदी जगह ते कोई होर प्रोजैक्ट आउणा चाहीदा सी क्योंकि जमीन काफ़ी पई है, की कोई है इह जी प्लैनिंग कि बठिंडे दे वास्ते कोई वड्डे प्रोजैक्ट इत्थे लिआंदे जां?
देखो गल ये जिहड़े वड्डे प्रोजैक्ट की तुसीं गल करदे हो जगह जिवें आपां थर्मल प्लांट की तुसीं जगह की गल करदे हो वी पई हैगी है तो देखो ये थोड़ा जिहा वड्डे लेवल की गल है मान लो सरकार दे पूरा ध्यान दे विच है और जल्दी ही मान लो सरकार इस दे उत्ते वी कोई ना कोई वधिया फैसला जिहड़ा लाऊगी पर वह होगा जिदे जिस जिस दे हक दे विच लोक होणगे मतलब ये नहीं भी लोगों के एंटी चल के कोई आम आदमी पार्टी मनप्रीत वांगू करूगी कुछ मतलब जो होएगा लोगों के हक लिए ही कोई भी प्रोजैक्ट इतने आएगा चाहे आम आदमी पार्टी इस थर्मल प्लांट को दोबारा चालू करे चाहे कोई प्रोजैक्ट इतने लैके आए। बहुत बहुत शुक्रिया पुरी साहब तुम अपना कीमती समय बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो दोस्तों ये सन राकेश पुरी जी बठिंडा तो इन्होंने दसिया कि किस तरह सारे मुद्दों पर दसिया कि हौली हौली जिहड़ा हैगा टाइम लगेगा तो हौली हौली जिहड़ी हैगी आ सरकार वो सैटल होगी तो विकास होगा और इन्होंने कहा कि जिहड़ा वड्डा वादा सी बिजली का वो एक महीने के अंदर अंदर ही ऐलान कर दिता तो पहली जुलाई तो जिहड़ी 600 यूनिट पर जिहड़ा बिल मगर दो जिहड़ा दो महीनों का साइकिल हुंदा बिल का सो दो महीनों के पिछे 600 यूनिट जिहड़ी बिजली हैगी फ्री दिती जाऊगी वो एक जुलाई तो शुरू हो रहा है तो हौली हौली जिहड़े सारे वादे पूरे होणगे। सो असी भी निगाह रखांगे पूरी नज़र करड़ी नज़र कि सरकार जिहड़ी है वो अपने किते हुए वादे जिहड़े आ पूरे सही तरीके नाल पूरे कर रही है जे किते कोई गलती हुई तो असी पूरे जिहड़े अपने सवाल है जिहड़े ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।